अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज है 18 अगस्त और हम एक महीने के बाद आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज रात 12 बजे मतलब 19 अगस्त को हिफ्जा एक साल की हो जाएगी। तो लकीली आज संडे है तो मुझे तैयारी के लिए भरपूर टाइम मिल रहा है। गिफ्ट लेने हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी है, कमरा डेकोरेट करना है, तो साथ साथ आपको भी लेके चलूंगा कि मैं क्या क्या करूंगा। तो अब सबसे पहले हमें जाके हिफ्जा के लिए गिफ्ट लेना है। गिफ्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें क्या नहीं लें, तो भी चलते हैं देखते हैं क्या गिफ्ट लेंगे। उसके बाद उसके लिए कैप्स और पूरा डेकोरेट जो करना है। बारबी का थीम मैंने सोचा हुआ है कि बनाऊंगा खुद ड्राइंग रूम में पूरा, मेरे साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो चलते हैं गिफ्ट लेने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे हैं बोरी बाजार सदर, जहाँ ये डेकोरेशन की एक बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ हर वैरायटी आपको मिलेगी, अगर कभी कुछ चाहिए हो कराची में आप हो तो हर किस्म के यहाँ पे फॉयल बलून्स, बारबी शेप, कोको मेलन, हर थीम में एक चीज़ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें थीम के मुताबिक ले ली हैं। अब हम पहुँचे हैं भाई लाइट हाउस, कराची की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट, या कह सकते हैं आप साइकिल वॉकर्स, स्ट्रॉलर्स और जीप्स बच्चों की मिलती हैं। तो भाई गिफ्ट ये डिसाइड हुआ कि हम लेंगे इफ्ज़ा के लिए एक छोटी कार जीप टाइप जो आती है, जो बेबी वॉकर टाइप होती है, जिसमें अभी ज़ाहिर है वो खुद तो चला नहीं सकती, तो हम उसको स्ट्रॉलर टाइप कार में वो झूले के लिए। तो हम हिफ्ज़ा का गिफ्ट ला चुके हैं और अभी इसको थोड़ी देर में अनबॉक्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने हिफ्ज़ा की यहाँ जमा कर ली हैं। हिफ्ज़ा के टॉयज़ हैं जो इसको गिफ्ट मिले हैं कज़न की तरफ से, कोई खाला की तरफ से। और ये देखें पूरी थीम हमने बारबी की जो सिलेक्ट की थी उसमें प्लेट्स हमें मिल गई, बलून फॉइल वाले, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए ये कैप्स और सारी चीज़ें हम लेके आए हैं। ये सब अभी रूम डेकोरेट करूँगा। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जीप को अनबॉक्स करके असेंबल कर देते हैं एवेंजर असेंबल वाला, ताकि हिफ्ज़ा उसमें खेलती रहे। तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें आपको जहाँ मैंने एड्रेस बताया है वहाँ से आपको आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हम आए हैं ड्राॅइंग रूम में हमारे, और ये हमारे पास सामने जगह है पूरी, इसको अभी हमें डेकोरेट करना है। हमने पूरी वॉल बनवाई है बारबी की ये वाली लगाने के लिए, और वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई हैं वो यहाँ आ जाएंगी। और पूरा यहाँ बलून 1.5-2 घंटे की मेहनत है, इंशाल्लाह लगेंगे। बाकी जैसा मुझसे रेडी हुआ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये हमारे इसको अनबॉक्स करके असेंबल करने का टाइम आ चुका है, और आ गई ये आ गई हिफ्ज़ा की जीप। अच्छा, आप जब ऐसी चीज़ें बच्चों के लेना चाहते हो ना, आपका दिल करता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उठा के ले आओ, एक से एक आपको चीज़ नज़र आती है। तो भी हम असेंबल करेंगे सारे पुर्जे वर्जे हैं, हम इसको करेंगे असेंबल। सॉन्ग्स वॉन्ग्स लाइट वाइट एकदम। अब इसको करते हैं हम असेंबल। भाई हमारी जीप जो है मैक्लेरन जीप जो है वो असेंबल हो चुकी है। ये कुछ ऐसा लुक है इसका, गाने वाने भी आते हैं भाई इसमें। ये है सामने लाइट्स चलती है इसकी, पूरी बाहर से रोशनी आ रही है, इसमें लाइट्स नज़र आ रही होंगी। तो एक साल के बच्चे के लिए अच्छा गिफ्ट है, बच्चा थोड़ा इंजॉय भी कर लेता है, म्यूज़िक व्यूज़िक चल जाता है इसमें। चाइना है भाई, चाइना हर जगह पहुँच गए। तो अब हम चलते हैं रूम डेकोरेट करने की तरफ, रूम डेकोरेट करते हुए भी आपको दिखाएं। अच्छा, वैसे इसके साथ ना स्ट्रॉ आता है, जो ये फॉइल वाले बलून्स होते हैं इनके साथ स्ट्रॉ होता है जिससे ये इजीली भर जाते हैं। लेकिन अब मेरे पास मशीन है, इससे थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि आपको जो आप फूक मार मार के भरते हो ना, वो आपकी चीज़ की बचत हो जाती है इसमें। तो मैं ये सारे हैं, ये भी हैं बलून्स बड़े वाले, ये भी फिलअप करने हैं सारे भरने, तो ये सारे भर लूँ फिर उसके बाद ब्रेक के बाद। तो भाई ये जो फॉइल वाले बलून्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे इसमें ये थीम वाले मिल गए बारबी, हर नस्ल के उनके पास हर थीम, पोको मेलन, बारबी और मिकी माउस और पता नहीं क्या क्या, श्रेक और हर थीम उनके पास थी। तो इसका फ़ायदा एक ये है कि फटते भी नहीं है जल्दी, मतलब अगर आपने लगा दिए जल्दी, जैसे अभी 12 बजे मुझे करना है तो अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो पहले से मैं इनको रेडी करके रख रहा हूँ, ये मशीन जैसे दिखाई थी आपको, ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो भाई
एक घंटे की मेहनत के बाद सारे बलून जो है फॉइल वाले वो फुला के उसके बाद ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वॉल पे ये बैनर लगा दिया है और अभी इस पे सारे बलून्स लगाने हैं जो मैं लाया हूँ। और जो रबड़ वाले बलून नॉर्मल होते हैं वो थोड़ा लेट फुलाऊंगा क्योंकि वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6 घंटे और हैं हमारे पास, 12 बजे इंशाल्लाह केक कट होगा। तो अब मैं इसके आसपास जो फॉइल वाले बलून्स हैं वो सारे चिपका देता हूँ ताकि एक लुक अच्छा सा बन जाए, फिर आपको पूरा लुक दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 19 अगस्त को पिज्ज़ा जो है 1 साल की हो जाएगी। और टाइम का पता ही नहीं चलता भाई कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 2 साल हो गए, बेटी 1 साल की हो चुकी है, तो वक्त सही कहते हैं बहुत तेज़ी से गुजरता है। तो वो आपके पास बस छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, वीडियो एंड तक देखनी है और लाइक ज़रूर करना है भाई। तो भाई हमारी बैग जो है वॉल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसके साथ साथ एक और हिफ्ज़ा का गिफ्ट आ चुका है। हिफ्ज़ा का गिफ्ट आपको दिखाते हैं, तो भाई ये चेक करो आप हिफ्ज़ा का गिफ्ट। तो भाई ये हिफ्ज़ा का गिफ्ट एक और आ गया है और ये है स्विंग, बच्चों का जो झूला होता है ये वाला, इसको ड्राइंग रूम में सेट करने का सोचा है। तो अब देखते हैं, इसको भी अनबॉक्स करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी बच्चे आ चुके हैं और हमें रबड़ वाले बलून्स फुलाने हैं। ये माशाल्लाह ऐसा लग रहा है बिल्कुल, अभी इसमें यहाँ बलून्स आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं और वो 1 नंबर का जो साइन होता है हिफ्ज़ा टर्न्स 1 इस पर लिखा हुआ है। और जिस जिसको पसंद आया है लाइक ज़रूर करना है। तो अब मैं बाकी बलून्स फुलाता हूँ, केक भी लेने जा रहा हूँ अभी, तो आपको वहाँ भी वीडियो दिखाऊंगा कौन सा केक मैंने सोचा हुआ है। बार भी थीम का अगर मिल जाए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये फर्ज चॉकलेट वॉकलेट ये फैमिली नहीं खाती फैमिली वाले, तो इसलिए पाइन एप्पल केक हो गया या वनीला केक इस टाइप का मैंगो केक लेना पड़ेगा। भाई हमारी कुछ इस तरह सजावट जारी है और जैसा समझ आ रहा था वैसा लगा रहा हूँ। ये पहला ज़ाहिर है तजुर्बा है लगाने का, ये इस तरह लगा दिया। अभी थोड़े और बलून जो है यहाँ लग जाएंगे तो सजावट हो जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब केक में ऑर्डर दे के आया था तो केक लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ भरने के बाद केक आता है तो आपको केक भी दिखा देते हैं। चीज़ें फाइनल कर चुके हैं, टेबल लग गया है, सब फाइनल हो गया, लेकिन उसके बाद अब ये जो टॉय स्टेशन का ये स्विंग है बच्चों का, ये देखिए ये चीज़ें निकली हैं अंदर से अनबॉक्सिंग के बाद। अब समझ रहा हूँ कि मैं कि इसको कैसे असेंबल करना है क्या नहीं करना, ये मैनुअल पे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको समझ समझ के कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, देखते हैं कितना टाइम लेता है। 11 बज चुके हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू कर। ये है हमारी प्यारी हिफ्ज़ा का केक, ये है स्पार्कलिंग कैंडल, एक ये पूरी फ्लावर वाली है जो इसकी खाला ने भेजी है और पूरी तैयारी है हमारी बर्थडे गर्ल ने देख ली है। हमारी बर्थडे गर्ल जो है अभी सोकर उठी है जिसकी वजह से थोड़ा माहौल गर्म है और अब हम केक कट करेंगे सब घर वालों के साथ। ये हमारी बर्थडे कैप है जो हम केक कट करते हुए पहनेंगे। हमारा झूला भी असेंबल एकदम 1.5 घंटे में भाई असेंबल हुआ है और इसको करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब केक कट करने की तरफ जाते हैं। पिंक पिंक सब पिंक और हम भी पिंक। बर्थडे गर्ल प्यारी प्यारी बर्थडे गर्ल। और हमारे केक के ऊपर कैंडल्स लग चुकी हैं, सब आ चुका है और हिफ्ज़ा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिफ्ज़ा, फाइनली। अब 1 घंटे के बाद अभी 1 बज रहा है, 1 घंटा सेलिब्रेशन जिससे वीडियो कॉल पे बात करने की जो यहाँ नहीं था, हिफ्ज़ा की खाला नानो सबसे बात करने के बाद अब हम फ्री हो चुके हैं। तो ये पीछे हमारे आप देख लो लगी हुई चीज़ें अब तक टाइम टाइम है, बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की लेकिन बचत हो गई। तो फॉइल वाले ये इतने बलून जल्दी नहीं फटते, ये यहीं लगे रहेंगे जब तक टाइम टाइम है, ये बाकी बलून कल तक ही फट जाएंगे मेरा ख्याल है, रबड़ वाले जो होते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, माशाल्लाह बोलना नहीं भूलना, अपनी दुआओं में याद रखना है, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।